स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया वक्फ संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? ए. मुसलमान द्वारा दान किया गया चल अचल संपत्तियों से। बी. हलाला कानून में संशोधन से। सी. मुसलमान हज यात्रियों से। डी. तीन तलाक कानून से। आंसर ए. मुसलमान द्वारा दान किया गया चल अचल संपत्तियों से। एक्सप्लेनेशन। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति की कोई भी मालिक नहीं होता है। दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं जिसे वक्फ बोर्ड कहा जाता है। सरकार का कहना है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाकर बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्रबंधन किया जाएगा। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 1 अगस्त, बी. 7 अगस्त, सी. 15 अगस्त, डी. 21 अगस्त। आंसर बी. 7 अगस्त। एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को संरक्षित करना और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना है। ये दिन हथकरघा बुनकरों के कौशल और समर्पण का जश्न मनाने का एक अवसर है। ये खास दिन देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कौशल का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न। 23 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? ए. भारतीय विज्ञान संस्थान टीम। बी. इसरो मंगलयान टीम। सी. इसरो चंद्रयान 3 टीम। डी. डीआरडीओ टीम। आंसर सी. इसरो चंद्रयान 3 टीम। एक्सप्लेनेशन। इसरो चंद्रयान 3 टीम को अंतरिक्ष विज्ञान में उनके काम के लिए विज्ञान टीम पुरस्कार मिलेगा। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर जी पद्मनाभन को जैविक विज्ञान में उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न। बुधदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ए. उत्तर प्रदेश। बी. असम। सी. सिक्किम। डी. पश्चिम बंगाल। आंसर डी. पश्चिम बंगाल। एक्सप्लेनेशन। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ CPIM नेता बुधदेव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने कोलकाता में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। बुधदेव भट्टाचार्य 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। वह अंतिम मार्क्सवादी मुख्यमंत्री थे और ज्योति बसु के बाद इस पद को संभाला था। अगला प्रश्न। भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? ए. जर्मनी। बी. स्पेन। सी. बेल्जियम। डी. ऑस्ट्रेलिया। आंसर बी. स्पेन। एक्सप्लेनेशन। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 8 जुलाई को स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया। 52 साल बाद भारतीय टीम ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक अपने नाम किया है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी टीम कांस्य लाने में सफल रही थी। भारत ने इस तरह ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा में अपना 13वां पदक जीता।